दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टेस्टिस या अंडकोश के ऊपर फंगल इन्फेक्शन, दाद, खाज, खुजली हो जाती है उसके बारे में, उसका कारण, लक्षण और इलाज। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Hi guys, this is Pramod Gangwar and you watching Medical Guru. Let's learn. Today we will here to discuss all about the fungal infection on testis. So basically, fungal infection जो होता है testis के ऊपर वो कैसे होता है? जब भी आप किसी गंदे एरिया में, अनहाइजीनिक प्लेस में आप जाते हैं, तो होता क्या है कि जो फंगस होता है वो इन्वायरमेंट से आकर के आपकी स्किन सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। तो लेकिन वो ग्रो नहीं करता क्योंकि वो डेड सेल होती हैं, फंगस की डेड सेल्स होती हैं जो आपकी स्किन पे आकर के चिपक जाती हैं। उसको ग्रोथ करने के लिए चाहिए होता है कल्चर। कल्चर क्या करता है, उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड कराता है फंगस के लिए जो उसकी डेड सेल होती है। तो आपको कल्चर, फंगस को कल्चर मिलेगा कैसे? फंगस को चाहिए होती है गीली गर्म एरिया जहां पर कि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए और डेवलप हो पाए। तो जब भी आपकी स्किन पे आप अनहाइजीनिक प्लेस में गए, आपका जो फंगस था वो आपकी स्किन पे आगे चिपक गया, उसके बाद आपको पसीना आया, स्वेट आया, तो उसने क्या किया, उस फंगस को कल्चर प्रोवाइड करा दिया। अब जब उसको कल्चर प्रोवाइड होता है तो फिर वो एक्टिव हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कॉज कर देता है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको फंगल इन्फेक्शन है, उसके कॉन्टेक्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना, ये कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी ही आसानी से स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो जब ये स्प्रेड हो जाता है तो होता क्या है, उस एरिया में रेडनेस, मतलब जिस एरिया में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हुआ है, तो इस एरिया में रेडनेस हो सकती है, इचिंग होगी, खुजली बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, रिंग फॉर्म हो सकती है, छोटे छोटे दाने जैसे निकलेंगे और वो रिंग की से बना लेते हैं। कई बार आपको पेन भी हो सकता है और बर्निंग सेंसेशन, जलन भी हो सकती है उस एरिया। ये उसके सिम्टम्स जो होते हैं अपीयर हो जाते हैं स्टार्टिंग के एक दो दिन के अंदर ही, जब फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी तक पहुंच जाता है। तो इसका टेस्ट, मतलब डायग्नोसिस इसका कैसे किया जाएगा डायग्नोसिस, तो उसमें नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं वो देख कर ही बता देते हैं कि ये रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, या फिर एक्जिमा है, सोराइसिस है, इसके बीज है, क्या है, वो देखकर ही पता लग जाता है। लेकिन कई बारी टेस्ट कराने की जरूरत भी पड़ जाती है, तो उसमें एक होता है स्किन स्क्रैबिंग टेस्ट। उसमें क्या होता है, स्किन को स्क्रैब किया जाता है और माइक्रोस्कोप में रख करके विजुअल या देखा जाता है कि किस तरीके का फंगल इसमें अपीयर है या डायग्नोस होता है, वो पता लग जाता है। दूसरा टेस्ट होता है स्किन कल्चर। उसमें स्किन के छोटे से हिस्से को एक कल्चर में डाल करके रख दिया जाता है 48 घंटे के लिए, कई बार 72 घंटे के लिए। उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या उसमें किसी फंगस ने ग्रोथ ली है। एक तो ये हो गया। एक टेस्ट और भी होता है जिसको स्किन बायोप्सी टेस्ट बोलते हैं, इसको भी कभी कभी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर 99% केस में डॉक्टर्स जो सिम्टम्स को देखकर ही बता देता है कि आपको किस तरीके का इन्फेक्शन है। अच्छा, अब उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में देखिए क्या है, इसमें आपको देखिए फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंटी फंगल क्रीम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे एंटी बैक्टीरियल ड्रग की देने की क्या जरूरत है? देखिए होता क्या है, जब आप
स्किन में आपके जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो आप इचिंग करते हैं, खुजलाते हैं, तो उसकी वजह से कई बार आपकी नाखूनों से उस स्किन को इंजरी पहुंचती है, जिस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉज हो जाता है। तो इसलिए हमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल दोनों को ड्रग चलानी पड़ेगी अगर उसको जड़ से पूरी तरह से ठीक करना है। लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, लोग केवल और केवल एंटी फंगल ड्रग दे देते हैं और एंटी बैक्टीरियल ड्रग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल करना है। तो आप ट्रीटमेंट कैसे लेंगे? स्किन के इन्फेक्शन के लिए जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg, इस टैबलेट को सुबह और शाम खाना खाने के बाद आपको लेना है। इसके साथ में जो एक बेटनिसोल टैबलेट आती है 0.5 mg की, ये एक स्टेरॉयड है, ये उस जगह की स्वेलिंग इन्फ्लामेशन को कम करने में, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में हेल्प करता है, इसको भी साथ में दिया जाता है। ये भी खाना खाने के बाद सुबह और शाम दिन में 2 बार लेनी होती है। और इसके अलावा आपको इचिंग हो रही है उस जगह पे, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, कम करने के लिए, रोकने के लिए आपको हाइड्रोक्सीजीन 25 mg की जो टैबलेट आती है उसको आप दिन में 1 बार भी ले सकते हैं। और अगर इचिंग बहुत ज़्यादा है तो आप उसको सुबह और शाम खाना खाने के बाद दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। ये तीनों टैबलेट्स को आपको कॉम्बिनेशन में लेना है सुबह और शाम खाना खाने के बाद। उसके अलावा आपको इट्रोकोनाजोल 200 mg कैप्सूल आता है, उसको दोपहर में दिन में 1 बार रोज 1 हफ्ते तक लेना है। हालांकि इसकी जो स्टैंडर्ड डोज है वो वीकली होती है कि एक कैप्सूल को 1 वीक में 1 ही बार खाना है, बट उससे कुछ होता नहीं है। अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो उसका कोई खास रिजल्ट मिलता नहीं है। इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमें इसको रेगुलर 1 हफ्ते इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी जा करके जो हमारा इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से ठीक हो पाता है। तो इट्रोकोनाजोल 200 mg का कैप्सूल जो है उसको आपको दिन में 1 बार लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक टैबलेट जो आप कहोगे तो एक तरीके से यूनिक मेडिसिन है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर्स नहीं करते हैं, लेकिन एल्बेंडाजोल 200 mg की जो टैबलेट आती है, 400 mg की जो टैबलेट आती है, ये ज़्यादातर यूज की जाती है पेट में इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उनको किल करने। लेकिन इसका सही इस्तेमाल क्या है, ये पेट के कीड़े तो किल करता ही करता है, मतलब पेट में जो इंसेक्ट्स उनको तो किल करती ही है, लेकिन ये एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग होती है। तो ये क्या करती है, जो बॉम्ब्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो कि फंगस के जो एग्स होते हैं उनको भी किल करने में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो इस टैबलेट को क्या करना है, आपको 1 हफ्ते में 1 ही गोली यूज करनी है, वो भी रात को सोते टाइम मीठे दूध के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, तो इसको आपको बिल्कुल मीठे दूध के साथ रात को सोते टाइम 1 गोली इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा आपको देखिए टॉपिकली भी कुछ ना कुछ ये होता है, टॉपिकली भी आपको स्किन को अगर क्योर करना है तो उसके लिए क्रीम आती है जैसे कि एक्वा केटीफाई या डर्मा केटीफाई, इस तरीके की क्रीम्स आती हैं, इनको इस्तेमाल करना होता है, टॉपिकली लगाना होता है। इसमें होता क्या है, देखिए एंटी फंगल्स कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है इनके अंदर, तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इतना आप करेंगे तो 99% चांस हैं कि आपका जो टेस्टिस के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, दाद हो रखा है, खाज, खुजली, छोटे छोटे दाने, ये सारी की सारी समस्याएं आपको 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ही पूरी तरह से क्योर हो जाएंगी। तो अगर अब बात की जाए कि प्रिकॉशंस की, प्रिकॉशंस क्या लेना है, हमने अपना ट्रीटमेंट तो पूरा कर लिया लेकिन आगे चल के हमको ये ना हो, यहाँ पे मेन बात आ जाती है, क्योंकि आप दवाइयाँ लेके ठीक तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद यही समस्या आपको दोबारा देखने को मिल जाती है। तो ये क्यों देखने को मिलती है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो आपको हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, अनहाइजीनिक प्लेस पे नहीं जाना है, जो बहुत ज़्यादा गंदा एरिया है वहाँ पे नहीं जाना है।
आपको स्वेट से मतलब अपनी स्किन को प्रिवेंट करना है। कोई पाउडर्स का यूज कर सकते हैं या फिर कूलिंग प्लेस पे आप रह सकते हैं। अपनी स्किन पे स्वेट स्टोर नहीं होने देना है। आपको एवरी डे बात करना है, नहाना है, और जो भी कपड़े आप एक बार पहन लेते हैं उसको दोबारा जब भी पहने तो वॉश करवा के, अच्छे से वॉश करवाने के बाद ही उनको पहनना है आपको। उसके अलावा किसी ऐसे बंदे के साथ या किसी ऐसे पर्सन के साथ आपको नहीं रहना है कांटेक्ट में या फिजिकल कांटेक्ट में किसी भी तरह से, जिसको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है। उस जो पर्सन है उसके साथ आपको नहीं रहना है। तीसरा, आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप साबुन का जो इस्तेमाल करते हैं तो उसके दौरान अगर आपका फंगस यहाँ पे है और तो यहाँ से मूव करके दूसरी जगह भी पहुंच जाता है। इचिंग से बचना है आपको, इचिंग नहीं करनी। आपके एरिया में जहाँ फंगल इन्फेक्शन है अगर वहां पे इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो आपको खुजलाना नहीं है। जब आप खुजलाएंगे तो स्क्रैबिंग के थ्रू आपके जो फंगस है वो आपके नाखूनों में आ जाएगा, फिर आप दूसरी जगह हाथ को प्लेस करेंगे या रखेंगे तो वहां पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, नहीं करनी है, इनका बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना है आपको। तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांस जो हैं वो लगभग लगभग 0.1% रह जाएंगे कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका टेस्ट के ऊपर फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म इन्फेक्शन, दांत खाज, खुजली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। कैसे इसको ठीक करना है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका कारण होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरीके का कंटेंट आप आगे भी देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल से रिगार्डिंग जो डिसीज हैं, कॉमन डिसीज जो होती हैं, उनके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इस चैनल को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें, क्योंकि नया चैनल है और मैं वैल्यूबल कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।